दोस्तों इस बात पर कौन यकीन करेगा कि महादेव शिव की मूर्ति को पसीना आता है। कहते हैं मौसम जैसा भी हो, महादेव के कंठ से पसीने की धार कभी नहीं रुकती। शुरुआत में हमने भी नहीं माना, लेकिन जब पुराणों को खंगाला तो पता चला कि वाकई ही एक ऐसी जगह है जहां महादेव ने विष की तपिश शांत की थी। पौराणिक कथा के मुताबिक महादेव को उस जगह का पता खुद भगवान विष्णु ने बताया था। बुंदेलखंड के बांदा जिले में जमीन से 800 फीट ऊपर पहाड़ियों पर मौजूद किला कालिंजर को कालजाई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस किले का 18 पुराणों और चारों वेदों में जिक्र है। इस किले में नीलकंठ महादेव मंदिर है, जहां समुद्र मंथन से निकले विष के रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि महादेव ने विषपान के बाद यही तपस्या कर विष के प्रभाव को खत्म कर काल की गति को मात दी थी। 5 फीट ऊंचा शिवलिंग विश्व का अनूठा और इकलौता है, जिसे विष पसीना बनकर रिसता रहता है। कालिंजर में अद्भुत शिवलिंग और इससे निकलने वाले पसीने का राज बेहद ही गहरा है। मान्यता है कि शिव ने समुद्र मंथन में जो विष पिया था उसका प्रभाव यही दिखाई देता है, और उसी प्रभाव की आस्था में सभी नतमस्तक हैं। भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर में आते हैं और शिवलिंग से निकलने वाले पसीनों को हाथों में लेकर अपने माथे और शरीर पर लगाते हैं। कहा जाता है कि इससे शरीर की तपिश कम होती है, साथ ही बुरे विचार और बुरी बलाओं का असर नहीं होता है। बुंदेलखंड सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन कितना भी सूखा पड़ जाए ये पानी और पसीना रिसना बंद नहीं होता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल से पहाड़ से ऐसे ही पानी निकलता आ रहा है। ये सभी इतिहासकारों के लिए एक अबूझ यानी कि अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर पानी का कुंड बनाया गया है। माना जाता है कि इस प्राचीनतम किले में मौजूद खजाने का रहस्य भी इसी प्रतिलिपि में है, यानी कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लेकिन आज तक कोई इसका पता नहीं लगा सका है। इस मंदिर के ऊपर पहाड़ है जहां से पानी लगातार रिसता ही रहता है। इस मंदिर में भगवान शिव सदियों से वास करते हैं। त्रिकोण सुंदरी यंत्र पर आधारित मंदिर के अंदर एक मंडप बना है जहां साधु संत और भक्त दूर दूर से आकर साधना करते हैं। मंदिर को तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तपस्या करके साधु सिद्धियां प्राप्त भी यही करते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहां शाम होते ही कोई नहीं रुकता है। मान्यता है कि अंधेरा होते ही यहां नाग आते हैं और सुबह चले जाते हैं। नीलकंठ मंदिर को कालिंजर के प्रांगण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण नागों ने करवाया था। कालिंजर के किले पर जिन राजवंशों ने शासन किया उसमें दुष्यंत शकुंतला के बेटे भरत का नाम सबसे पहले आता है। इतिहासकारों के मुताबिक भरत ने 4 किले बनवाए थे, जिसमें से कालिंजर का सबसे ज्यादा महत्व है। 1249 ईस्वी में यहाँ हैरवंशी कृष्णराज का शासन था, तो 4वीं सदी में ये नागों के अधीन रहा। इसके बाद सत्ता गुप्तों के हाथ में पहुंच गई। फिर यहाँ चंदेल राजाओं का शासन रहा और इसका अंत 1545 ईस्वी में हुआ। दोस्तों वैसे तो महादेव के चमत्कारों से हम सभी वाकिफ हैं। अगर आप भी वाकिफ हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर 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 महादेव लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर 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 महादेव।